हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे वेजिटेबल के बारे में बात करूंगी। ये लौकी की बेल है फ्रेंड्स। लौकी में ये प्रॉब्लम रहती है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं हमारी लौकी में फूल आते हैं और झड़ जाते हैं और लौकी नहीं आती है। तो उसका रीज़न ये होता है कि लौकी में मेल और फीमेल जो फूल होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। तो मेल फूल जो है वो ज्यादा खिलते हैं। आपने देखा होगा इसमें ज्यादातर फूल खिलते हैं और फिर मर जाते हैं। तो इसमें मेल फ्लावर्स ज्यादा होते हैं और फीमेल फ्लावर कम निकलते हैं और उनमें पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तो इस कारण क्या होता है, पॉलिनेशन नहीं होने से जो आपको छोटी छोटी लौकियां दिखी हुई लगती है ना, वो एक्चुअली फूल ही होता है। अगर उसमें पॉलिनेशन नहीं होगा तो वो फिर लौकी बढ़ेगी नहीं। तो आपको लगता है कि मेरे प्लांट में छोटी छोटी लौकियां लग रही हैं और वो गिर जाती हैं, तो वो एक्चुअली लौकी नहीं होती है, वो फूल ही होता है, फीमेल फ्लावर ही होता है। छोटी सी लौकी उसके पीछे दिखती है आपको और उसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाता, इसलिए क्या होता है कि वो लौकी फिर आगे बढ़ती नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी, पहले तो ये दिखाती हूँ कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर कैसा होता है। ये देखिए, ये है इसका फीमेल फ्लावर, जिसको आप समझते हैं कि हमारे ये छोटी सी लौकी लगी हुई है। अब इसमें क्या है कि ये फूल है, देखिए आगे। तो ये जब पॉलिनेशन नहीं होगा तो ये झड़ जाती है और आपको लगता है कि हमारी लौकी झड़ गई। और ये देखिए, ये होता है मेल फ्लावर। मेरे हाथ फ्रेंड्स बहुत गंदे हो रहे हैं क्योंकि अभी मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, सब्जियाँ लगा वगा रही थी तो हाथों में मिट्टी है। ये होता है इसका मेल फ्लावर। ये देखिए, मेल फ्लावर के पीछे कोई लौकी नहीं है और ये है फीमेल फ्लावर। तो इसका अब हम पॉलिनेशन करेंगे। अगर मैं इसको इसका हैंड पॉलिनेशन नहीं इस टाइम करूंगी तो मेरी भी ये लौकी झड़ जाएगी और इसमें लौकी नहीं लगेगी। तो अब क्या करेंगे, इसमें दो तरीके हैं। एक तो हम किसी ब्रश से इसके ऊपर से पॉलन ग्रेन्स लेके और इस पे लगा दें, लेकिन ये जो फूल है ये वैसे भी मरेगा ही। मेल फ्लावर जो है वो ज़्यादा देर नहीं रहता है, बस पॉलिनेशन नहीं हो तो ये मर जाता है। तो मैंने इसको क्या किया, तोड़ लिया। और ये होते भी ज़्यादा हैं मेल वाले फ्लावर, फीमेल फ्लावर कम होते हैं। अब देखिए, इसकी पत्तियाँ यूँ कर देती हूँ, मैं हटा देती हूँ थोड़ी सी। ये देखिए, आपको खूब सारे ये पॉलन एंथर्स लगे हुए दिख रहे हैं इसमें, ये बीच वाला जो हिस्सा है ये। अब क्या करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम इस फ्लावर के ये बीच वाला जो हिस्सा है दिख रहा है आपको, इसके ऊपर ऐसे रगड़ देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, ये मैंने इसको इसके ऊपर अच्छी तरह से रगड़ दिया। ये देखिए, ये वाले हिस्से को, बीच वाले को ऐसे। अब इसका ये पॉलिनेशन हो गया। तो अब ये जो लौकी है ये गिरेगी नहीं और ये पूरी लौकी बनेगी। तो आपने भी अगर लौकी की बेल लगाई हुई है तो ये देखिए, मेल फ्लावर नीचे से ऐसा होता है सिंपल और फीमेल फ्लावर ऐसा होता है। तो आप मेल फ्लावर को तोड़ के ऐसे फीमेल फ्लावर के ऊपर ऐसे, इसको कहते हैं हैंड पॉलिनेशन। मतलब हमने अपने हाथ से इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं इसके इसके ऊपर पहुंचा दिए हमने। और अब क्या है, ये लौकी बनेगी और बड़ी होगी। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा कि आपके पेड़ों में लौकी क्यों नहीं बनती है। पॉलिनेशन करना इसमें बहुत ज़रूरी होता है, हैंड पॉलिनेशन ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है इसमें। तो अब मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। एक चीज़ और दिखा दूँ, ये देखिए मैंने बोगेनविलिया की कटिंग लगाई हुई है। फ्रेंड्स, मैं अपडेट्स बहुत कम देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाना सही नहीं रहता है। तो ये देखिए, इसमें स्प्राउट्स आ रहे हैं अभी, इसमें धीरे धीरे, अभी इसकी जड़ें डेवलप नहीं हुई होंगी, अभी एक महीना और मैं इसको रहने दूंगी, इसकी जड़ें और डेवलप हो जाएं फिर इनको मैं सेपरेट करूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय।